श्री राम समर्थ अक्टूबर 22 मुख में नाम नीति का आचरण और अंतःकरण में भगवान का प्रेम हो। जिसके मुख में नाम है उसके हृदय में निश्चय ही राम है और जिसके हृदय में राम है उसे मैं राम के रूप में ही देखता हूँ। जब तक हमने गृहस्थी में भगवान को सम्मिलित नहीं किया तब तक गृहस्थी की पूर्ति नहीं होती। गृहस्थी के हम स्वामी बने, जो गृहस्थी का गुलाम बनेगा उसे संतोष कैसे प्राप्त होगा? सुख लोगों से प्राप्त होता है, संतोष अंतःकरण से मिलता है। लोगों से प्राप्त होता है वह सुख और भीतर से प्राप्त होता है वह संतोष। संतोष दूसरों पर अवलंबित नहीं होता, वह मुझे स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। संतोष दे नहीं पाते और ले भी नहीं पाते। अपनी वासना अपने ही नियंत्रण में होना चाहिए। जो परमात्मा को अपना लेता है उसकी वासना नष्ट होके ही रहेगी। गृहस्थी छोड़ो ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। गृहस्थी छोड़कर परमार्थ प्राप्त नहीं होता ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। गृहस्थी अनिवार्य है ऐसा भी मैं नहीं मानता। गृहस्थी नहीं होती तो भी चल सकता है और होगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। गृहस्थी करो लेकिन संतोष रखो। मुख में भगवान का नाम नीति का आचरण और हृदय में भगवान का प्रेम रखो। जो किसी भी साधन से नहीं सधेगा वह प्रेम से सधेगा। हम जैसे अपने माता पिता बाल बच्चों पर प्रेम करते हैं वैसे भगवान पर प्रेम करे। ज्ञानेश्वर महाराज की बात छोड़ो, वे तो विद्या के सागर थे, परमात्मा स्वरूप थे, लेकिन संत तुकाराम के पास क्या था? उनके पास कौन सी ऐसी विद्या थी? किंतु उन्होंने भगवान से कितना असीम प्यार किया। आज भी लाखों लोग पंढरपुर जाते हैं, यह बात उसी का प्रमाण है। वैसा प्रेम करना तुम सीखो। घर में ऐसा वातावरण ऐसा व्यवहार रखो कि जिससे घर के सभी का ध्यान भगवान की ओर रहे। मधुर भाषा हो, कभी कड़वी न हो, मक्खन की तरह मुलायम हो, गालियों में भी मधुर भाषा है ऐसा भास लगे, क्रोध में मिठास लगे। निस्वार्थी बनने के सिवाय भाषा मधुर नहीं हो सकती। गोकुल की तरह घर हो तो होने दो, पर गोकुल की तरह शोभा लाने वाला परमात्मा उसमें हो। कितनी भी गरीबी हो तो भी परमात्मा का वास होने पर घर में सुख होगा ही। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो तो हम गृहस्थी के लिए उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। चोर ने चोरी प्राप्त हो इसलिए मनौती मानी और गृहस्थ ने अपनी गृहस्थी के लिए मनौती मानी तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों को भी भगवान प्राप्त हो ऐसी इच्छा नहीं है। भगवान के विस्मरण जैसा पाप नहीं, उसके स्मरण जैसा पुण्य नहीं। हम उसका अखंड स्मरण रखने का प्रयास करें। हम नाम स्मरण में रहे तो हमें अपने कर्तव्य का स्मरण और भान निरंतर होता रहेगा। आज के मुख्य विचार, दूसरों से सुख प्राप्त करने का प्रयास करने वाला मनुष्य गृहस्थी में रहता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.